लो गाइस देखिए, मैंने इसमें आधा लीटर दूध रखा है, मैंने एक कटोरी चीनी डाली है, देखिए मैंने इसमें एक कटोरी चीनी डाली है। देखिए गाइस हम इसको चलाते हैं, इसको तेज़ आँच पे चलाना, हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसको अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाए, इसमें एक खोल आ जाए। इसको चीनी मिलाते हैं, दूध लिया है, मिलाते हैं इसमें, इसको चलाते रहना जैसे नीचे से लगना जाए। आप चाहे इसमें केसर डाल सकते हैं या फूड एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, मैंने इसमें फूड कलर डाला है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है। देखिए इसको कलर डालने के बाद इसका कलर कैसे चेंज हो गया, तब तक इसकी अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकती है। छेने के लिए वो कर लेते हैं, मैंने इसमें छेना बनाने के लिए दूध रख दिया है, ये डेढ़ लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध है। अब हम इसको फाड़ते हैं, अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू आप इसको फाड़ने के लिए नींबू या सिरका का यूज़ कर सकते हैं। मैंने विनेगर सिरका का यूज़ किया है, विनेगर का, मैंने 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी डाल के इसका मिक्सर बना लिया है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ पूरा नहीं डालिए, इसको चलाते रहिए जिससे ये नीचे से लगे नहीं, ये अपने आप धीरे धीरे फटने लगेगा। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आने लगा है, इतना फटा सा इसमें और डाल देते हैं जिससे अच्छी तरह फट जाए। इसको हम अच्छी तरह चलाते हैं, देखिए इसको अच्छी तरह चलाना है जिससे नीचे से ना लगे। ये भी खूब अच्छी तरह पक गई है, इसमें खोल आ गई, हमें इसमें मिलाई नहीं पड़ने देना है। देखिए ये भी फट चुका है, इसको थोड़ा और खोलने देते हैं जिससे इसकी अच्छी तरह। अच्छी तरह इसका छेना निकला है, हमें इसको तेज गैस पे पकाना है, पर चलाते रहना है। ये अच्छी तरह से फट चुका है, ये अच्छी तरह इसका छेना निकल आया है। इसको पानी से हाथ से धोना है अच्छी तरह, अब इसको निचोड़ के टाइट करके बांध के रख देना जिससे इसका सारा रस पानी निकल जाए। अगर ये गीला रहेगा तो इससे रसमलाई नहीं बन पाएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह कर दिया। कितना सूख गया, वैसे बनकर सूख गया बिल्कुल। आइए चलो आगे देखते हैं, इसको पकाने के लिए चीनी का पाक बना लेते हैं। देखिए मैंने इसमें 1.5 कटोरी करीब चीनी डाली है, आप इसमें 4 कटोरी करीब पानी डाल दीजिए। हमें इसमें कोई चाल नहीं बनाना है, सिर्फ चाल चीनी भूननी है। अब इसको हम हथेली से अच्छी तरह बनेंगे, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे जिससे अच्छी तरह बैंड हो जाए। देखिएगा कितने अच्छी तरह हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब इसकी गोल गोल लोई बना लेंगे, जिस साइज़ की आपको बनाना है आप उस साइज़ की बनाइए, ये पकती और थोड़ी सी फूल जाती है। लेकिन मैंने छोटी छोटी बनाई है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही बनाइए। देखिए मैंने इसमें डाल दिए पहले से ही, आप देख सकते हो साइज़ बड़ा हो गया,
अब इसको 10 मिनट तक पकाइए ढक के। इसको आराम से हिलाना, ज़्यादा कड़छुली चलाओगे पलटा चलाओगे तो ये टूट सकती है। एक अच्छी तरह पक रही है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, हम इसको दोबारा चलाएंगे। कितनी अच्छी तरह फूल गई है, पक गई है ये। अब हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे ये फूटे ना। हम इसमें चाशनी का थोड़ा थोड़ा रस लेके भी डाल सकते हैं, या आप ऐसे डाल दीजिए, या थोड़ा चाशनी का रस जो हमने सीरप बनाया है वो थोड़ा डाल दीजिए इसके साथ, छेने के साथ ही। पर बड़े आराम से डालना जिससे ये टूटे ना, बर्फ़ का पानी इसलिए कि ये टूट नहीं सकती। मैं उसमें सारे डाल लेती हूँ, आप भी आसानी से घर पे बना सकते हो। बहुत स्वादिष्ट बनती है ये, देखिए। अब हम इसको निचोड़ के रसमलाई का जो हमने घोल बनाया था हम उसमें डाल देंगे। आप उसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए, देखिएगा ये बन चुकी है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, देखो कितनी सॉफ्ट बनी है खाने।